धान खरीफ की मुख्य फसल है और धान की फसल के लिए शैवाल की जीवाणु खाद बहुत ही उपयोगी है। धान के खेत की जो खड़े पानी की अवस्था है वो इन जीवाणुओं के लिए बहुत ही अनुकूल है और ये जीवाणु वहाँ पनपते हैं और ये खेत को नाइट्रोजन देते हैं। और औसतन ये देखा गया है कि 20 से 25 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन ये प्रदान करते हैं, तो इसका मतलब है कि किसान 40 से 50 किलोग्राम यूरिया की बचत प्रति हेक्टेयर कर सकता है। और नाइट्रोजन के अलावा इसके जीवाणु जो इस शैवाल जीवाणु खाद के जीवाणु जो होते हैं ये भूमि को भी सुधार करते हैं। ये भूमि की कार्बनिक शक्ति, भूमि की एकत्रीकरण शक्ति और भूमि की जो पानी अवरोधक शक्ति है उसको भी बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो जीवाणु होते हैं ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं वो भी ये रिलीज़ करते हैं, जिससे कि किसान 8 से 10% अपनी पैदावार में भी वृद्धि ले सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि किसान अगर चाहे तो इस जीवाणु खाद को अपने वहाँ खेत में ही इसको बना सकता है। इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है और किसान अगर चाहे तो अपने खेत के आसपास जहाँ पे खुली जगह हो, जहाँ पूरा दिन धूप और तेज़ रोशनी आती हो, वहाँ पे वो एक गड्ढा खोद ले और उस गड्ढे की जो लंबाई है वो 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और उसकी गहराई 8 से 10 इंच होनी चाहिए। उस गड्ढे के में पॉलीथीन बिछा देना चाहिए और उस ताकि पानी जो है वो नीचे ना जा सके। उस गड्ढे में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 3-4 किलो खेत की छनी हुई मिट्टी और उसमें 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट मिलाना चाहिए और उसमें पानी भर देना चाहिए। जब पानी 6 इंच तक हो जाए तो उसमें 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देना चाहिए और इन सबको मिला देना चाहिए, क्योंकि गड्ढे में पानी खड़ा रहेगा और मच्छर पैदा होने की स्थिति हो सकती है। तो उसमें 5 ml मेलाथियन वो उसमें डाल के और इस सब को मिला देना चाहिए। जब ये सब अच्छी से मिल जाए और मिट्टी जो गड्ढे में है वो नीचे बैठ जाए तो 100 ग्राम जीवाणु खाद का टीका, जो शैवाल का टीका जो हमारे पूसा संस्थान से उपलब्ध है, उसको पानी की सतह के ऊपर बुरक देना चाहिए और इसको खुले में छोड़ देना चाहिए। हर रोज़ सुबह आके किसान उसको देखे और अगर उसमें पानी की मात्रा कम हुई हो तो उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त कर दे। 6-7 दिन में आप देखेंगे कि ये शैवाल के जीवाणु उसमें उगने शुरू हो जाएंगे और एक परत बनानी शुरू कर देंगे और 10-12 दिन बाद वो परत काफ़ी मोटी हो जाएगी। और जब वो परत मोटी हो जाए तो उसमें पानी देना छोड़ दें और उसको सूखने दें, और सूखने के बाद जो पपड़ी तैयार होगी उस पपड़ी को वो इकट्ठा कर ले और एक पॉलीथीन बैग में रख ले और फिर उस खाली गड्ढे में फिर से पानी, सुपर फॉस्फेट और मेलाथियन डाल दें और 10-12 दिन बाद उसमें से फिर पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार एक गड्ढे से किसान 4-5 बार पैदावार ले सकता है और वो जो जीवाणु खाद इकट्ठी होगी उसको वो अपने धान के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। यदि किसान इसे अपने वहाँ नहीं बनाना चाहते तो ये जीवाणु खाद हमारे पूसा संस्थान से भी उपलब्ध है और इसका 500 ग्राम का एक पैकेट जो 1 एकड़ धान के लिए पर्याप्त है वो हमारे यहाँ 50 रुपये में उपलब्ध है। और इसको उपयोग करने की विधि बहुत ही आसान है। धान की रोपाई के 3-4 दिन बाद खड़े पानी की स्थिति में जो पैकेट का जीवाणु खाद है उसको खेत की 4-5 किलो मिट्टी में मिलाइए और उसको खड़े पानी की स्थिति में खेत में बुरक दीजिए और खेत में ये अपने आप ही पैदा होता रहेगा और ये खेत को फायदा देता रहेगा।